हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइज आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले Infinix की तरफ से आने वाला न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन जो है Infinix 08i। और गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज ये Infinix का अब तक का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है जिसे उन्होंने 2020 में लॉन्च किया है। और भाई इसमें आपको देखने मिलता है फुल HD स्क्रीन, जिसमें आपको देखने मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी और कई सारे और भी फीचर्स हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइज अनबॉक्सिंग करने से पहले ये फ़ोन इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपीज़ के प्राइस में अवेलेबल मिल रहा है। सो भाई काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और अभी हम बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सो यहाँ पे बॉक्स के आगे की तरफ आपको Infinix की बैजिंग देखने मिलती है। यहाँ पे नीचे की तरफ 08i की बैजिंग प्रोवाइड की है और नीचे की तरफ काफी बढ़िया रेनबो इफेक्ट उन्होंने दिया है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे उसका स्टोरेज जो है 8GB प्लस 128GB, 6.85 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, हीलियोस का G90T प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, 4500mAh की बैटरी, 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप, डुअल सेल्फी कैमरा, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। और गाइज ये जो फोन है ये है मेड इन इंडिया। सो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो स्मार्टफोन, तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। उसी के साथ नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका चार्जिंग ब्रेक जो है 18 वॉट्स का और एक टाइप सी केबल उन्होंने प्रोवाइड किए है। और उसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसके कुछ यूजर मैनुअल और एज यूजुअल यहाँ पे उन्होंने सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट केस प्रोवाइड किए है और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने मिलता है। सो गाइस यहाँ पे इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है उसे हम रिमूव करते हैं और सबसे पहले करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइस यहाँ पे हमने पावर ऑन करके इसमें सारी चीज़ें सेटअप कर दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी प्रीमियम बिल्ड यहाँ पे आपको देखने मिलती है। स्पेशली इसका जो पीछे का कैमरा कटआउट है वो काफ़ी बढ़िया है और इसे ये लोग कहते हैं जेम कट। और काफ़ी बढ़िया और ओवरऑल इसका कलर है जिसका नाम है सिल्वर डायमंड कलर और यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लुक देता है ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन। फिर हम बढ़ते हैं इसके पोर्ट्स की तरफ, तो राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पार बटन। सो पार बटन में ही उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है। नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है एक स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और 3.5mm का जैक। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका सिम टूल जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हो दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड। गाइज अभी हम बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 6.85 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको देखने मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। सो काफ़ी स्मूथ लगता है जब भी आप इसे ऑपरेट करते हो। और यहाँ पे 90.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे जो बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो 480 निट्स का ब्राइटनेस आपको देखने मिलता है। तो इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी और आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फोन का डिस्प्ले आपको विजिबल हो जाता है। सो भाई डिस्प्ले के मामले में काफ़ी बढ़िया उन्होंने यहाँ पे काम किया है। बढ़ते इसके प्रोसेसर की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है हीलियोस का G90T 64-bit का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो आता है यहाँ पे माली 670 GPU के साथ। और इसके स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम, 128GB का इनबिल्ट स्टोरेज आपको प्रोवाइड किया है। और इसके अंदर भाई आपको देखने मिलते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो आपके फ़ोन का टेम्परेचर यहाँ पे 6-4 डिग्रीज तक रिड्यूस करता है जब भी ये हीट होता है। जब भी मतलब अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे हमने इसमें कुछ गेम्स भी खेले और ट्रस्ट मी गाइस इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी बढ़िया तरीके से ये गेम्स चल जाते हैं। हालांकि जो हीलियोस का G90T प्रोसेसर है वो ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे कोई भी लैग मुझे महसूस नहीं हुआ। एंड बट ऑब्वियस अगर आप ज़्यादा इंटेंसिव गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे डिवाइस हीट होने के भी चांसेस है, बट यहाँ पे जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। और भाई अगर मैंने गेमिंग की यहाँ पे बात कर ही दी है तो आपको इसमें गेम बूस्ट का भी ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें जो आपका गेम है काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होके यहाँ पे रन होता है। गाइज फिर हम बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ, तो रियर में आपको देखने मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। सो यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो है 48MP का f1.79 अपर्चर के साथ, 8MP का वाइड कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा एंड AI लेंस विथ क्वाड LED फ्लैशलाइट। सो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया है। फ्रंट में भी आपको देखने मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 16MP का f2.0 अपर्चर के साथ और सेकंड कैमरा है 8MP का वाइड एंगल कैमरा। सो यहाँ पे जो कैमराज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किए, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर में आपको कई सारे डिफरेंट मोड्स इसमें देखने मिलता है। फोटो मोड है, बोके मोड है, प्रोफेशनल मोड उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसमें आप कई सारे डिफरेंट सेटिंग करके इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें आप 960fps तक यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। और उसका फ्रेम रेट है 30fps।
सो यहाँ पे हमने कई सारे इमेजेस इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन की हेल्प से कैप्चर की है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल मोड में हमने कुछ कैप्चर किए, इमेजेस वाइड एंगल में कैप्चर किए, सेल्फी में भी नॉर्मल सेल्फी क्लिक किए, वाइड एंगल सेल्फी यहाँ पे क्लिक किए, बोके मोड में यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस इसमें क्लिक किए, मैक्रो मोड में भी यहाँ पे हमने फोटोज क्लिक किए, और उसी के साथ यहाँ पे सुपर स्लो मोशन में 960 FPS में भी मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया है और काफी बढ़िया तरीके से वो भी यहाँ पे वर्क करता है। और उसी के साथ फ्रंट कैमरा से और रेयर कैमरा से भी यहाँ पे हमने 4K एट 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड की है जो अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सो गाइस, ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये हम शूट कर रहे हैं इन्फिनिक्स 08 आईफोन से, जिसपे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K एट 30 FPS, कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं किया है। एंड आई होप यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों भी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। ओके सो गाइस, ये जो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट कैम से, जो है 4K एट 30 FPS, कोई भी एक्सटर्नल माइक यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, आउटडोर कंडीशन में है। एंड आई होप यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। गाइज, फिर मैं बात करना चाहता हूँ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो यहाँ पे जो पावर ऑन बटन है उसमें ही उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को इनबिल्ट किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है। मतलब जैसे ही आप फिंगर टच करते हो, विद इन मतलब 0.1-0.2 सेकंड में ही आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे फेस अनलॉक की भी मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिवली यहाँ पे वर्क करता है। सो यहाँ पे जितने भी अनलॉक और सिक्योरिटी फंक्शन से काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इसके UI की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है XOS 7.0, जिसमें आपको कई सारे न्यू डिज़ाइंस देखने मिलते हैं, ऐप आइकन्स उन्होंने चेंज किए, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे एंड्रॉयड 10 आपको देखने मिलता है, काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस इसका लगता है। बट गाइस, एज यूजुअल यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर देखने मिलता है, कई सारे प्री लोडेड एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। सो भाई, ये चीज़ इन्फिनिक्स ने यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको बैटरी सेवर मोड देखने मिलता है, गेम मोड देखने मिलता है, डार्क मोड उन्होंने इंक्लूड किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आता है, और कई सारे एन नंबर ऑफ फंक्शंस इस पर्टिकुलर XOS 7 में उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उसी के साथ बढ़ते इसके स्पीकर की तरफ। तो यहाँ पे आपको डाउन फायरिंग स्पीकर देखने मिलता है, जो यहाँ पे DTS सराउंड साउंड सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोन का जो स्पीकर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाउड और बेटर लगा, तो अभी आप सुन सकते हो इसकी ऑडियो क्वालिटी। एंड गाइस, फाइनली हम बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 4500 mAh की बैटरी, जो यहाँ पे कैपेबिलिटी रखती है 33 वॉट्स फास्ट चार्जिंग की, और आपका फ़ोन जो है 0 to 70% सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में यहाँ पे चार्ज होने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। बट गाइस, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट्स का चार्जर प्रोवाइड किया है, वो भी एक फास्ट चार्जर ही है। बट गाइस, ओवरऑल ये जो फ़ोन की बैटरी है और जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ की है। और यहाँ पे आपको सुपर सेवर मोड, मतलब सुपर सेवर बैटरी मोड भी देखने मिलता है, जिसमें अप टू 25% तक यहाँ पे जो बैटरी है वो बूस्ट हो जाती है। सो गाइस, फाइनल कंक्लूजन, इस Infinix 08i डिवाइस के बारे में, काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, कैमरा काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया है, 90Hz के साथ आता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, और गाइज ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 14,999 की प्राइस में, जो काफ़ी बढ़िया एंड एग्रेसिव प्राइसिंग में बोल सकता हूँ। सो भाई, अगर किसी को इस डिवाइस को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज, बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।